दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी एक ऐसे दरवाजे में से एंट्री ली होगी जहां पे अगर आपकी जेब में आपके पास में कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो आवाज आती है बीप 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 और फाइनली आपकी स्कैनिंग की जाती है, पता लगाया जाता है कि आपके पास में कौन सा मेटल का ऑब्जेक्ट है। या फिर हो सकता है आपका कभी किसी सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर किसी ने स्कैन किया हो एक हैंड हेल्ड मशीन से और वो मशीनें पता लगाती है कि आपके पास में कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है या नहीं। अब ऐसे में ये मेटल डिटेक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ऐसा ही कुछ मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसको आज के डेट में तो सिक्योरिटी के लिए काम में लेते हैं। अगर आपसे पूछूंगा तो आपके दिमाग में भी सबसे कॉमन एग्जांपल आएगा किसी एयरपोर्ट का, किसी मेट्रो स्टेशन का, किसी मॉल का या किसी ऐसी जगह का जहां पे सिक्योरिटी के रूप में एक स्कैनिंग की जाती है कि किसी इंसान के पास में जो भी विजिटर है उसके पास में कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट आपके पास में आप कैरी तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये शुरुआत में ऐसा ही था? जी नहीं, स्टार्टिंग में मेटल डिटेक्टर्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता था गड़े हुए छुपे हुए खजाने ढूंढने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक स्टिक के आगे एक रिंग जैसा लगा होता है और ज़मीन के पास पास आप उसको फिराते हैं। अब ये बेसिकली लैंड माइंस ढूंढने के लिए भी काम में आ जाता है क्योंकि वो भी एक सिक्योरिटी पर्पज़ है। लेकिन उसके अलावा इन जनरल बहुत सारे यूज़र्स इस कोशिश में रहते थे बहुत पहले के दिनों में कि वो ढूंढ पाए कि ज़मीन में कहाँ सोना दबा है और वो कहाँ से कुछ अशरफियाँ अपने पास में गैदर कर लें। अब ऐसे में ये मेटल डिटेक्टर्स कैसे काम करते हैं अगर मैं आपसे इसके बारे में बात करता हूं तो यहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं मैक्सवेल के बारे में। अगर आपने साइंस पढ़ी है या अगर आपने साइंस नहीं भी पढ़ी है तो भी 10th क्लास में आ जाता है मैक्सवेल की इक्वेशंस। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो ऐसी चीज़ें हैं फिजिक्स में जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई हैं, यानी कि हम कहेंगे इन दोनों की आपस में शादी हो चुकी है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ जनरेटर्स की या मोटर्स वगैरह की तो सेम प्रिंसिपल है। जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया वहाँ पे आपने बिजली पैदा कर ली और जहाँ पे आपके पास में बिजली है वहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लिया। अब ऐसे में ये स्कैनर काम कैसे करते हैं बेसिकली कि यहां पे जो आगे वाला पोर्शन है वो पोर्शन जो स्कैन कर रहा है किसी मेटल को, वहां पे दो कॉइल्स लगी होती हैं। एक होती है ट्रांसमीटर कॉइल और एक होती है रिसीवर कॉइल। जो ट्रांसमीटर कॉइल होती है वो बेसिकली उसमें एक सर्किट है जहां पे हम एक करंट डालते हैं, एक वोल्टेज हम पीछे लगाते हैं, नॉर्मल 9 वोल्ट की बैटरीज पे काम करता है हैंडहेल्ड वाला। और जो बड़े वाला होता है जो गेट साइज का होता है वहां पे आप किसी भी तरह की पावर सप्लाई जब देते हैं तो ऐसे में जो कॉइल है वहां पे करंट पास होता है। अब क्योंकि करंट पास होता है तो ऐसे में ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आसपास के वातावरण में पास के माहौल में फैल जाता है। अब ऐसे में अगर कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो वो जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है वहां पे उस ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने स्पिन्स को चेंज कर देते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड से जो वो ट्रांसमीटर कॉइल रेडिएट कर रही है। अब ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पिन्स वगैरह चेंज करते हैं, जब वहां पे थोड़ा डिसओरिएंटेशन होता है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि उस मेटल के अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब क्योंकि उस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है इसका मतलब वो मेटल भी अब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे में ही जो रिसीवर कॉइल होती है जो लगा है उस स्कैनर के अंदर, वो रिसीवर कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ही अपने आप में करंट के फ्लो को स्टार्ट करती है। और वो करंट का फ्लो जाता है आगे सर्किट के थ्रू लाउड स्पीकर में और जहां पे बाद में बिप 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 की आवाज है वो आपको पता चल जाती है और ये पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट वहां पे जरूर मौजूद है। अब ऐसे में एक बात जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा या जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है वो ये कि ये कितनी दूर तक मेटल को स्कैन कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे आप किसी मेटलिक ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं वैसे वैसे ये बीप बीप तेज हो जाती है। तो देखिए, इसके दो बातें हैं। पहली बात अगर आपसे बात करता हूँ रेंज की, तो कोई स्पेसिफिक तो नहीं है कि आप 1 फीट या 2 फीट तक या 3 फीट तक कर पाएंगे, बेसिकली जितना नज़दीक होगा उतने आराम से कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि जो सरफेस एरिया है वो जितना बड़ा होगा उस मेटलिक ऑब्जेक्ट का उतने ही आराम से और उतने ही कंफर्मिटी के साथ में आप कह सकते हैं कि हाँ हमने एक मेटलिक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है। कई बार छोटी मोटी कुछ पिन है तो वो हो सकता है आपका स्कैनर डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन अगर थोड़ा सा नाइफ वगैरह थोड़ा एक फ्लैट सरफेस वाला एरिया है तो वो बड़े आराम से वो स्कैनर को पकड़ में आ जाएगा। अब ऐसे में अगर आपसे बात करूं जमीन में दबे हुए खजाने की, तो करीब करीब 1 से 2 फीट की गहराई तक आप जमीन में मेटल्स को स्कैन कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर मैं आपसे बात यह करता हूं कि वो आवाज तेज क्यों हो जाती है, तो देखिए जैसे जैसे आप उस मेटलिक ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे
उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा जाएगी और उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो रिसीवर कॉइल है वहां तक पहुंच जाएगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी रिसीवर कॉइल में उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही पावर जाएगी आगे लाउड स्पीकर के ड्राइवर में, और वो उतनी ही तेजी से आगे बीप करना स्टार्ट कर देगा। अब ऐसे में इसके जो पोटेंशियल यूजेस हैं आप सभी को पता ही है, आप सभी की डेली लाइफ में आपने काफी बार महसूस किया होगा, जो पोर्टेबल हैंडल स्कैनर होते हैं जो करीब 10-12 हज़ार रुपए के आते हैं और वहां पे 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, उसी के अंदर ही दो कॉइल्स लगी होती है, ट्रांसमीटर और रिसीविंग कॉइल्स। जो एरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है बीच में, क्योंकि हमको कॉइल की बात कर रहे हैं, इसलिए आप देखा होगा आगे वहां पे एक छल्ला जैसा बना होता है, और ऐसे में अगर कोई आपके ऊपर स्कैन करता है आपकी बॉडी के ऊपर तो बड़े आराम से पता लगा सकता है कि आपके पास में कोई मेटल है या फिर नहीं है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप जान गए हैं मेटल डिटेक्टर्स के बारे में, और अगर आप कोशिश करना चाहते हैं किसी खजाने के बारे में तो आप अपना बनाइए एक मेटल डिटेक्टर बड़े आराम से और निकल जाइए बाहर के मैदान में सोने चांदी की खोज में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।